गणपती बाप्पा मोरया, पुढच्या वर्षी लवकर या। गणपती बाप्पा मोरया, पुढच्या वर्षी लवकर या। बोला गणपती बाप्पा। वाह वाह वाह, सभी लोग वक्त पर आ गए यार। लेकिन उससे भी खुशी की बात यह है भिड़े कि हाथी भाई और रिपोर्टर रीटा भी आ गए। ए रिटाड़ी, कहाँ थे इतने दिन बेटा? चाचा जी, मैं पहले दिन से मुंबई के सब गणपति पापा के पंडालों में घूम रही थी और रिपोर्टिंग कर रही थी। बस पूरे मुंबई की रिपोर्टिंग की, घर के गणपति भूल गई। इसीलिए आज आई हूँ ना यहाँ पे। तो अच्छा किया आई हो। तो मैं भी गणपति पापा के दर्शन नहीं रह जाए इसलिए विसर्जन से पहले आ गया। अच्छा किया। अच्छा हुआ हंस तुम आ गए, मैंने तुम्हें, हम सबने तुम्हें बहुत मिस किया। मैंने भी सबको बहुत मिस किया। मैंने सुना टप्पू सेना ने बहुत अच्छा कार्यक्रम आयोजित किया था, व्हील ऑफ गोकुल धाम। यस, बहुत अच्छा था। टप्पू सेना ने एकदम जबरदस्त कार्यक्रम का आयोजन किया था और उसमें ना वो दो चक्र भी उन्होंने लगाए थे और वो जब भी घूमते थे ना हम सब की दिल की धड़कन एकदम बढ़ जाती थी। आप होते ना तो आपको भी बहुत मजा आता। हाँ बिल्कुल, गणपति बाप्पा के छत्रछाया में रहकर हमने खूब आनंद किया, नाचे गाए धमाल की। लेकिन अब वो घड़ी आ गई है जो हम सबको बिल्कुल पसंद नहीं है। आज बापा का विसर्जन हो जाएगा। आज बापा हम सबसे विदाई लेंगे। लेकिन इसमें सब लोग इतना दुखी क्यों हो रहे हो? अरे गणपति बापा जाएंगे तो अगले साल वापस आएंगे ना। ओ करेक्ट गया चाचा जी, सही बात है। उन्हें हंसते हुए विदा करो। वो बोला गणपति बापा मोरया, पुढच्या वर्षी लवकरया। गणपति बापा को जैसे हम नाचते गाते लेकर आए थे वैसे ही हमें उन्हें विदा करना चाहिए। ढोल ताशे बजाने चाहिए। ओ आ जा, ओ पिड़ू, ओ टोल वाले कहते हैं भाई। तो भाई भिड़े, तूने ढोल वालों को बोला कि नहीं? अरे हाँ, मैंने बोल दिया था वक्त पे आने के लिए। कमाल है, हम सब वक्त पे आ गए, अब ढोल वाले नहीं आए। मुस्कुराता हुआ। अरे आसिफ बेटा, तुम आज यहाँ अचानक? हाँ? अरे गोकुल धाम के राजा गणपति बापा हमारे सोसाइटी में आए हो और मैं दर्शन करने के लिए ना हूँ, ऐसे हो सकता है? लेकिन आसिफ भाई, इस बार हमें लगा कि आप गोकुल धाम के गणपति बापा को भूल गए। नहीं नहीं मेहता साहब, दो बातें मैं कभी नहीं भूलता हूँ। कौन सी? माँ बाप के आशीर्वाद और ईश्वर की भक्ति। मेरा भी ऐसा ही है, सेम टू सेम। बहुत अच्छी बात कही है आसिफ बेटा तुमने। आसिफ भाई आप बिल्कुल सही वक्त पे आए। चलो अभी आरती करते हैं। आइए आइए, चलो चलो चलो, आइए आइए। करता दुख हरता वार्ता विघ्नाची नुर्वी पूर्वी प्रेम कृपा जयाची सर्वांगी सुंदर उटिशेंदुराची कंठी झळके माळ मुक्ता फळांची जय देव जय देव जय मंगल मूर्ती दर्शन मात्रे मन कामना पूर्ती रत्न खचित भरा तुज गौरी कुमरा चंदनाची ऊटी कुमकुम केशरा हीरे जड़ित मुकुट शोभ तो बरा ऋण झुणती नो पूरे चरणी घागरिया जय देव जय देव जय मंगल मूर्ति दर्शन मात्रे मन कामना पूर्ति जय देव जय देव लंबोदर पीतांबर फणिवर बंधना सरल सोंड वक्र तुंड त्रिनयना
दासरामाचा वाट पाहे सदना संकटी पावावे निर्वाणी रक्षावे सुरवर वंदना जय देव जय देव जय मंगल मूर्ति दर्शन मात्रे मद कामना पूर्ति जय देव जय देव सिंदूर लाल चढ़ायो अच्छा गजमुख को दोन दिल लाल विराजे सुत गौरी हर को हाथ लिए गुड़ लड्डू साई सुरवर को महिमा कहे न जाए लागत हूँ पद को जय जय जी गणराज विद्या सुख दाता धन्य तुम्हारो दर्शन मेरा मन रमता जय देव जय देव। हे गोकुल धाम के राजा, मेरी तारक मेहता के उल्टा चश्मा की टीम दर्शकों का भरपूर मनोरंजन करती रहे, ऐसी शक्ति देना और दर्शकों का प्यार हमेशा हम पर बरसता रहे, ये कृपा बनाए रखना। गणपति पापा का विसर्जन होगा और अगले साल गणपति पापा फिर हमारे गोकुलधाम सोसाइटी में पधारेंगे। उनके आशीर्वाद सदा हम पर बने रहे और उनका प्यार हमेशा बरसता रहे, हम पर कोई विघ्न ना आए। गणपति पापा सदा हमारे दिल में बसे रहे, इसलिए मैं आप सबके लिए एक सुंदर गिफ्ट लाया हूँ। बस भाई क्या लेके आए हैं? जेठा भाई सबसे पहले गिफ्ट हमारे प्यारे बापूजी को। अभी आप ये गणपति पापा को आप प्यार से दर्शन कीजिए, गौर से देखिए, इसके अंदर कुछ छुपा हुआ है, एक सरप्राइज है गणपति पापा के अंदर। यस, आप देखिए, गणपति पापा की आंख से आंख मिलाइए, आपको कुछ दिखाई देगा। भाभी क्या जेठा भाई आप कंफ्यूज हैं? इसके अंदर कुछ है क्या? क्या छिपा है इसमें बताइए ना। जेठा सब आशीष जी बता देगा तो तू क्या करेगा? अरे थोड़ी मेहनत कर, ढूंढ ढूंढ ढूंढिए ढूंढिए, गणपति पापा का आशीर्वाद है। चलो चलो ढूंढिए ढूंढिए, तीन तक ढूंढ के निकलना। नहीं नहीं, तीन बहुत कम है, थोड़ा ज्यादा नहीं है। तीन, वन। अरे जल्दी चल, जल्दी चल। बोल रही है भाई तू? मैं बताती हूँ कि गणपति बापा दया के नाम से बने हैं। मतलब देखिए, ये है द और ये य और कानू का दया। हाँ, अरे हाँ, तेरा नाम लिखा है इसमें तो दया। अरे वाह वाह, आप तो एकदम बुलेट ट्रेन से भी फास्ट निकली। हाँ, इसको पकड़ के रखनी पड़ती है वरना तो छूट जाती है कभी। इसी तरह आप सब लोग का नाम इसी गणपति जी के अंदर छुपा हुआ है। अच्छा, मेरा नाम किधर है? ढूंढ, मेरा नाम किधर है? हां हां, ढूंढिए ढूंढिए। अरे हां, मिल गया, इसमें मेरा रहता है। जाओ जेठा लाल, जेठा लाल। अरे मेरे को भी मिल गया, मेरे को मिल गया, मेरे को मिल गया। आई यार, अरे भाई यार, आगे से मार दे। हां भाई, बेटा बराबर मिल गया। अरे हां, नट्टू काका मिल गया। ये मजा पड़े, मजा। हां, देख देख देख। वाह वाह,
राशिद भाई कमाल कर दिया आपने, मतलब मैं क्या कहूँ, जितना भी कहूँ कम। आपकी ये जो गिफ्ट है ना इस गणेश उत्सव में, लाजवाब, अद्भुत, अनुपम, अद्वितीय। थैंक यू सो मच, हम सब की ओर से बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। ये देने वाला मैं कौन होता हूँ, ये तो गणपति बाप्पा है। वो तो है, लेकिन आशित भाई ये बनाया किसने? अरे भाई मेरे पूना में एक मित्र है अनिल बड़वन, बहुत अच्छे चित्रकार है। अनिल बड़वन याद लग रहा है, इन्होंने ये सुंदर गिफ्ट बनाई है। क्या बात है, वाह। लेकिन लेकिन आइडिया आपका होगा है ना, आपने बोला होगा कि ऐसे ऐसे बना के दो, है ना। तो भाई एक बार आशित भाई को ये चित्र लाने के लिए और अनिल बड़वन जी को ये चित्र बनाने के लिए जोरदार तालियां हो जाए। क्या बात है अनिल बड़वन जी, थैंक यू। गणपति बाप्पा। तो चलो मैं चलता हूं। अरे क्या रे, कुछ और पहले खाना वाना तो खा के जा। बाद में आइएगा जरूर, है और बहुत बहुत शुक्रिया। जा रहे यादगार तोहफा दिया है आशित भाई ने। 2015 का ये गणेश उत्सव हमेशा याद रहेगा। नमस्ते, मैं हूँ अनुष्का रंजन। और मैं हूँ दिगंत। नमस्ते 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 दिगंत भाई। और हम नए एक्टर्स हैं और हमारी पहली पिक्चर वेडिंग पुलाव 16 अक्टूबर को रिलीज हो रही है, इसलिए हम गणपति बप्पा से आशीर्वाद लेने आए हैं। हाँ मैं जानता हूँ, मैंने पढ़ा है आपके बारे में, आप शशि जी और अनुरंजन जी की बेटी है ना। हाँ। बहुत टैलेंटेड है आपके माता पिता, आपकी शादी जरूर होगी। शादी? ओ पोपटलाल, क्या तुम भी कहीं भी शादी की बात घुसेड़ देते हो? अरे ये लोग अपनी फिल्म की सफलता के लिए बापा के आशीर्वाद लेने आए तो बोले शादी हो जाए, क्या कुछ भी बोलते हैं। अरे भाई मुझे पता है, इनकी फिल्म की स्टोरी कुछ ऐसी है कि इसमें इनकी शादी किसके साथ होगी ये पता ही नहीं चलता। इसलिए मैंने कहा कि आपकी शादी जरूर होगी। I'm sure आप लोग बहुत excited होंगे because ये आपकी पहली movie है, right? हाँ बिल्कुल। तो आप लोग आपकी movie के बारे में please कुछ बताइए। हाँ दसो ना दसो। तो actually हमारी जो film है wedding pulao वो दो दोस्तों की कहानी है जो decide करते हैं कि एक साथ एक ही destination पे शादी करेंगे। पर वहाँ जाके ना उनकी relation थोड़ी सी confusing हो जाती है। फिर आगे क्या होता है? नहीं 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 दिगंत भाई, अनुष्का बहन मत बताना। क्यों क्यों? अरे क्या क्यों, पूरी स्टोरी इधर ही जान लेंगे तो फिर पिक्चर देखने का मजा क्या आएगा? क्यों बराबर के नहीं? सही बात है, सही बात है। हमारी फिल्म वेडिंग पुलाव जरूर देखिएगा, एक हल्की फुल्की रोमांटिक कॉमेडी है। आइए अनुष्का बहन, दिगंत भाई, आप हमारे गोकुल धाम के गणपति बप्पा के दर्शन करके आशीर्वाद ले लीजिए। हे गौरी पुत्र, आशीर्वाद दीजिए कि हमारी फिल्म से ऑडियंस को मनोरंजन मिले और हमें दर्शकों का प्यार मिले ताकि हम सबकी मेहनत सफल हो जाए। हे रिद्धि सिद्धि दाता, आशीर्वाद दीजिए कि हमारी फिल्म सबको पसंद आए। और हाँ, हम गणपति बापा के लिए कुछ लाए हैं। पुलाव लाए हैं प्रसाद में चढ़ाने के लिए? तो फिर जल्दी चढ़ा दीजिए, जब से पुलाव का नाम सुना है मुझे भूख लग गई है। अरे अरे भाई, पुलाव नहीं, वेडिंग पुलाव के गाने की सीडी लाए हैं। हम गणपति बापा को हमारे गाने सुनाना चाहते हैं। नाइस। और आप सबको हमारे साथ उस पर डांस करना पड़ेगा। तो शुरू हो जाए।
पप्पा मोरिया, गणपति पप्पा मोरिया, अगले बरस तू जल्दी आ, अगले बरस तू जल्दी आ। नाचते गाते हंसते मुस्कुराते हुए गणपति पापा का विसर्जन हो गया और अगले वर्ष गणपति पापा फिर आएंगे हमारे लिए ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद लेंगे। और मित्रों एक विशेष बात और, आज 2 अक्टूबर हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जन्म जयंती, आइए आज इस अवसर पर एक प्रण लें। हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी सिर्फ सत्य और अहिंसा के नहीं स्वच्छता के भी आग्रही थे। आइए आज हम प्रण लेकर अगले 5 वर्षों में हम इस देश को संपूर्ण रूप से स्वच्छ बनाएं। उनकी 146वीं जयंती पे उनके लिए इससे बड़ी श्रद्धांजलि नहीं हो सकती। स्वच्छ भारत अभियान में तारक मेहता का उल्टा चश्मा की पूरी टीम जी जान से जुटी हुई। आज हम महात्मा गांधी का स्मरण करें और इस हफ्ते के स्वच्छता सेनानी का नाम घोषित करें। इस हफ्ते के स्वच्छता सेनानी हैं हैदराबाद की गायत्री राव। स्वच्छता सेनानी हमारी गायत्री राव। थैंक यू। नमस्कार। सबसे पहले तो हम तारक मेहता की पूरे टीम को धन्यवाद देना चाहते हैं और साथ ही साथ हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को भी धन्यवाद देते हैं जिन्होंने इस स्वच्छता की मुहिम को चलाया। हमारे हॉस्पिटल के सामने लोग काफी कचरा फैलाने लगे जिसके जरिए बहुत सारी बीमारियां होने लगी। इस स्वच्छता अभियान के जरिए लोगों ने हॉस्पिटल के सामने ही नहीं बल्कि गली और मोहल्ले में भी कचरा फैलाना बंद कर दिया है। मैं चाहूंगी कि आप सब भी अपना कदम स्वच्छता की ओर बढ़ाएं। देश की नई पहचान स्वच्छ भारत अभियान। गायत्री राव जी को बहुत बहुत बधाई। ये हमारा स्वच्छता अभियान इसी तरह जारी रहेगा और सोमवार को आपसे मुलाकात होगी हंसी और ठाकुर से। नए किस्से नए ठाकुर देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए हंसते रहिए। हम सब लेडीज अपने घर में अपने पति देव से रिनो रेस की बात कर ही देते हैं तो फिर क्या सोचा आपने? मैं उसको इतना कम दाम में 50 TV दे ही नहीं सकता दया। क्या बोल रहे हैं आप? सॉरी बबीता, अभी पूरा घर रिनोवेट करना पॉसिबल नहीं। मधु माधवी माधवी हमेशा हंसता हुआ खुश देखना चाहता हूँ लेकिन बजट भी तो देखना पड़ता है ना। अगर फिजूल का खर्चा करें तो दोनों दुखी हो जाएंगे। पर मैं अभी भी दुखी हूँ।